यामा कंपनी जल्द इंडिया में SZR125 को लॉन्च करने वाला है। यामा SZR125 पहली 125 सीसी बाइक होगी यामा की इंडिया में, जिसको मेनली उतारा जाएगा रेडर 125 को टक्कर देने के लिए। ऑलरेडी 125 सीसी बाइक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, जिसको देखते हुए यामा जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 2024 में न्यू SZR125 न्यू बाइक को लॉन्च करेगा। ऑलरेडी SZR150 को यामा सेल कर रहा था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन यामा ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया था तब। लेकिन अब यामा SZR को 125 सीसी कैटेगरी में लॉन्च करेगा। SZR125 का लॉन्च आपको कब तक देखने को मिलेगा एंड इसका प्राइस कितना रहेगा, चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को एंड बात करते हैं यामा SZR125 के लॉन्च के बारे। अपकमिंग ऑल न्यू यामा SZR125 का डिज़ाइन सेम SZR150 वाला होगा, लेकिन इसमें यामा काफ़ी सारे न्यू चेंजेस करेगा। फ्रंट में आपको LED सेटअप मिलेगा, मीटर कंसोल इसमें फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा। पहले जो SZR150 मिलता था उसमें आपको मीटर कंसोल मिलता था एनालॉग स्पीडोमीटर, लेकिन अब इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा। कलर ऑप्शन न्यू हो गए न्यू बॉडी ग्राफिक के साथ एंड इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलेगी। किक स्टार्ट की ऑप्शन नहीं मिलेगी इस बाइक में एंड इसमें आपको इंजन कॉल भी मिल जाएगा। फ्रंट एंड रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक होगी। सस्पेंशन फ्रंट में मिलेगा टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर सस्पेंशन होगा मोनोशॉक। व्हील साइज 17 इंचीज का होगा एंड टायर साइज फ्रंट एंड रियर में आपको मिलेगा 100/90। यामा SZR125 की अगर हम इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो इस बाइक में आपको मिलेगा ऑल न्यू 124.7 सीसी एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट कर देगा 12 HP। टॉर्क इस बाइक में आपको मिलेगी 11.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड नंबर ऑफ गियर्स इस बाइक में आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रहेगी 14 लीटर एंड ओवरऑल वेट इस बाइक का काफ़ी लाइट रहेगा, जिससे इस बाइक में आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिल जाएगी। माइलेज ये बाइक जनरेट कर देगा इजीली 55 किलोमीटर पर लीटर तक एंड टॉप स्पीड इस बाइक में आपको मिलेगी 110 किलोमीटर पर आवर तक। ओवरऑल लुक एंड परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक एक्सीलेंट होगा। ऑल न्यू यामा SZR125 के अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो इस बाइक में आपको एडवांस फीचर्स मिलेंगे LED हेडलाइट सेटअप के साथ। इसमें आपको LED DRLs भी मिलेगा एंड इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर करी जाएगी। अलॉय व्हील के साथ फ्रंट में आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलेगा एंड इस बाइक में आपको स्टाइलिश इंजन कॉल भी मिल जाएगा। यामा SZR125 बेसिकली स्पोर्टी सेगमेंट बाइक होगा स्टाइलिश लुक के साथ। सिटिंग पोजिशन काफ़ी कम्फर्टेबल होगी ईजी हैंडलिंग के साथ। सो अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे। यामा SZR125 का प्राइस होगा 95,000 एंड अगर हम इस बाइक की लॉन्च की बात करेंगे तो आखिर आपको इस बाइक का लॉन्च कब तक देखने को मिलेगा इंडिया में, तो लॉन्च इसका एक्सपेक्टेड है मार्च 2024 में एंड यामा SZR125 टक्कर देगा TVS रेडर 125 को। यामा अपकमिंग न्यू ईयर में काफ़ी सारे न्यू बाइक्स लॉन्च करेगा, जिसमें से आपको SZR125 का भी लॉन्च देखने को मिलेगा। सो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगले रिव्यू में, टिल देन टेक केयर ऑफ यू एंड राइड सेफ।